आगे देखो गाइस क्या काले बादल छाए हैं आगे। भाई मैं नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो, मैंने पहनी है अपनी न्यू राइडिंग जैकेट एंड आज की राइड पे मैं अपने सारे के सारे न्यू राइडिंग गियर्स पहनने वाला हूँ। हेलमेट, बूट्स, जैकेट एंड बूट्स भी यार काफी अच्छे लग रहे हैं। गाइस देखिए, बूट्स मैंने पहन लिए और बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक्सोर के बूट्स। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको हेलमेट पहन के बता देता हूँ। तो गाइस यार मैंने हेलमेट पहन लिया एंड देखिए कैसा लुक लग रहा है हेलमेट का, एंड साइड में मैंने इंटरकॉम भी लगा दिया। तो गाइस चलो अब मिलते हैं सीधे आपको रोड पे। तो गाइस चलो यार स्टार्ट करते हैं आज की राइड। ओ भाई, तो गाइस यार जो मैंने अपने बूट्स पहने हैं ना उनमें अभी मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। गियर शिफ्टिंग में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नए नए बूट्स हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पीछे का ब्रेक का पता नहीं चल रहा है एंड आप सामने आसमान देख सकते हो यार कितने काले बादल छा गए हैं भयंकर की। ओ भाई बारिश आ गई यहाँ पे। अरे यार क्या किस्मत है भयंकर, बारिश आ गई गाइस, बहुत तगड़ी बारिश आ रही है। यार यहाँ पे आ रही है, होप शुअर आगे ना हो रही हो। वैसे तो बादल तो पूरे काले छा रखे हैं ऊपर तक, बहुत तगड़ी बारिश आने वाली है लगता है। बहुत गलत सीन, गलत सीन, बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, गलत सीन। अबे यार मुझे टेंशन है गोप्रो की, गोप्रो गीला ना हो जाए यार, क्योंकि गोप्रो में मीडिया मोड लगा रखा है और मीडिया मोड लगा के गोप्रो वाटर प्रूफ नहीं रहता भाई। यार आगे देखो गाइस क्या काले बादल छाए हैं आगे, अपनी किस्मत ही खराब है भाई। मैंने गूगल वेदर में तो चेक किया था कि आज बारिश तो नहीं आ रही, गूगल वेदर में दिखा रहा था कि 11 बजे बाद बारिश आएगी, तो मुझे लगा कि मैं 11 बजे तक तो वापस ही आ जाऊंगा। एंड मेरे फ्रेंड लोग मेरा वेट कर रहे हैं धर्मपुर पे, यहाँ से तो मैं सिंगल जा रहा हूँ, सोलो जा रहा हूँ। एंड जहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग हैं धर्मपुर पे, वहाँ पे बारिश नहीं आ रही थी, मैंने सुबह पता किया था उन लोगों से। भाई लिटरली पीछे का ब्रेकअप पता नहीं चल रहा है, कितना पुश हो रहा है पता ही नहीं चल रहा है। काफ़ी टाइम लगेगा बूट्स को एडजस्ट करने में अपने पाँव पे, एंड गियर शिफ्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। भाई मैं नहीं कर रहा भाई, नहीं कर रहा, नहीं कर रहा हूँ। बहुत गलत सीन, गलत सीन, बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, गलत सीन। अरे भी नहीं जा सकता, अब क्या करूँ भयंकर बारिश ही तेज हो रही है और मैं यहाँ पे अटका पड़ा हूँ 15-20 मिनट से, और मैंने सोचा थोड़ा बारिश कम हो तो आगे घर की तरफ जाऊँ, बट क्या करूँ भाई देखो बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है भाई। गलत ही सीन हो रहा है, बहुत गलत ही सीन हो रहा है। नॉट माई डे भाई, बैड डे आज, बैड लक, बैड डे, क्या ही बताऊँ। कब होगी भाई बारिश बंद, कब होगी, घर जाना है मुझे। मैं भी भीग के चला जाता बट मैं अपने नई नई राइडिंग गियर्स को आज गीला नहीं करना चाहता हूँ। तो गाइस फाइनली बारिश बंद हो चुकी है, ये देखो अब चलता हूँ घर की तरफ क्योंकि आगे साइड आ रही है जहाँ मेरे को जाना है राइड करने। मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया तो वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ खतरनाक आ रही है, तो जब तक बारिश रुकी है तब तक घर पहुँच जाता हूँ मैं, नहीं तो भाई फिर से स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर से यहीं अटका रहूँगा आधे घंटे तक। तो भाई चले हम घर की तरफ। ओ ये अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है बट इतनी नहीं हो रही कि मैं पूरा गीला हो जाऊं। उस टाइम तो भाई इतनी तगड़ी हो रही थी ना, पूरा आसमान काला हो गया था भयंकर। आज सारे गियर्स नए पहने, नया हेलमेट, नई राइडिंग जैकेट, नए बूट्स, सब कुछ नया, ऑल न्यू, बट आज मौसम ने साथ नहीं दिया। और यार मैं घर से वेदर देख के निकला था कि बारिश तो नहीं हो रही कहीं, गूगल भी झूठा है भयंकर, अब से गूगल के भरोसे नहीं चलना भयंकर। और आज इतना मन था ना राइड करने का, क्या ही बताऊँ कसम से, बहुत ज़्यादा मन था राइड करने का। ओ हो क्या बोल रहे, बच्चे का रिएक्शन ही बड़ा तगड़ा था भयंकर। इन बच्चों का रिएक्शन देखते हैं भयंकर कैसा रिएक्शन देते हैं। और घर वाले मुझे बोलेंगे कि हमने तो सुबह ही मना कर दिया था, तेरी जितनी बस जाना है तो जाना है। ग्लासेस नीचे कर देता हूँ यार, लोग मुझे देख रहे हैं और मैं लोगों को देख रहा हूँ, उन्हें तो अच्छा नहीं लग रहा है भयंकर। जितने भी लोग दिखे उन्होंने रिएक्शन दिए, मुझे घूर के देख रहे थे। और जब मैं यहाँ पे था ना इस एरिया पे,
यहीं से बारिश स्टार्ट हो गई थी, पर मुझे लगा कि आगे नहीं हो रहेगी नहीं हो रहेगी, चलते जाओ चलते जाओ। यहीं से अगर वापस जाता तो इतना नहीं भीगता जितना मैं भीगा हुआ हूँ, ज़्यादा नहीं भीगा पर थोड़ा राइडिंग गियर ऊपर ऊपर से भीग चुके हैं। अबे 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 कहाँ जा रहे हो भाई, इधर भी देख लो, इतने समय तक लोग भी नहीं उठते जितने समय मैं राइड पे चला गया हैंग। अब यार घर पे दादी है, दादी का रिएक्शन देखना क्या बोलती है। यहाँ आगे माउंट वाला तक गया है, यहाँ आगे तक गया माउंट वाला तक, फिर वापस आ गया। भयंकर कैसे कैसे डायलॉग मारी दादी गढ़वाली में, ऐसे डायलॉग तो मैंने सुने भी नहीं भाई। चलो यार अंदर चलते पहले। तो गाइस मैंने अपनी राइडिंग जैकेट सुखाने के लिए रख दी है और थोड़ा गीली हो गई थी और थोड़ा भारी भारी सी भी लग रही थी, अभी थोड़ा हल्का महसूस कर रहा हूँ। एंड आज का यार बहुत ही बैड डे था, एंड अभी देखो मौसम पूरा साफ़ हो चुका है, पूरा भी नहीं थोड़ा थोड़ी इधर साफ़ हो गया, अब मुझे नहीं लगता कि अभी बारिश आने वाली होगी, तो शायद मौसम भी नहीं चाहता था कि मैं आज राइड करूँ। दादी क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना, ये कहीं नहीं जाना है। अच्छा मौसम खराब है, बारिश आने वाली है, चार तरह की है। गूगल वेदर के भरोसे तो आज के बाद जाने का नहीं है। तो यार गाइस चलो राइड तो हो नहीं पाई, राइड होगी अब कल या परसों को देखते हैं, अगर बारिश नहीं आई तभी राइड होगी, बारिश आई तो राइड नहीं होगी। एंड अगर आपको ये छोटा सा व्लॉग, छोटे से राइड का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, एंड अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड गुड बाय।